कमरा दे दे बस बोसी में खुश होऊंगा। रूम चाहिए भाई, यही रहने वाला है। लिख लो यार, मुझे गोद ले लो, मुझे यही रहना है, मुझे कोई गोद ले ले यहाँ पे, मैं एक कमरा दे दे मैं उसी में खुश हो जाऊंगा, ठीक है। मुझे नहीं रहना महलों में, मुझे एक कमरा दे दे भाई, मैं उसी में पड़ा रहूंगा। देखो ये बर्फ कितनी आ गई है ये शीशे में, गैस देख रहे हो व्यवस्था कैसा। Hey guys, hello, कैसे हैं आप सब? I hope you are doing good, I am also doing good. तो मैं on the way हूँ, तो let's enjoy and let's check this out and let's explore that place. तो welcome back to my channel guys, Hunger to Explore. और a warm welcome in chilled weather. So जो भाई नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, do subscribe my channel and बेल दबा के ऑल दबा देना ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, एंड शेयर भी कर देना इफ पॉसिबल, सो दैट एवरीबडी शुड नो अबाउट द प्लेस। सो लेट्स गो एंड फिगर इट आउट। ऑलराइट, मस्त है भाई, मस्त है ये पहाड़ की पेस्ट्री, ब्लैक फॉरेस्ट, कितना अच्छा लग रहा है। नीचे ग्राउंड, ग्राउंड कितना मस्त है यार, नीचे आर्ट्स, घर लोगों के पूरे वाइट हो रखे हैं। क्रिसमस ट्रीज हो, कॉटन कॉटन की तरह है, पूरा पूरा कॉटन की चीज। व्हाइट स्नो के अंदर कलरफुल घर इतने अच्छे लग रहे हैं, ये देखो, ऑसम, वन वर्ड, ऑसम, क्लास है यार, क्लास है। पेड़ देखो, पेड़ों पे बर्फ देखो, स्नो फॉल हो गए शुरू, गिर रही है भाई थोड़ी थोड़ी, ये देखो शीशे पे। स्नो गिर रही है भाई, स्नोफॉल हो रही है कि पेड़ों से गिर रही है? स्नो हो रही है थोड़ी थोड़ी सी, पेड़ों से भी गिर रही है और पेड़ों से भी गिर रही है। हाँ, पेड़ों पे गिर रही है तभी तो नीचे गिर रही है। पेड़ मम्मी देख रहे हो कितने अच्छे हैं, पेड़ों के ऊपर व्हाइट स्नो पड़ी हुई है बिल्कुल, तो क्या बोलूं मैं, बस वर्ड्स ही नहीं है, अब तो मेरे वर्ड्स भी खत्म हो गए। यार ये देखो यार, ये देखो, ओए होए होए होए, वाओ, हाथ बाहर नहीं निकाल पा रहा गाइस, मैं अगर मैं कहूँ ना मैं यहाँ से इस खिड़की से हाथ बाहर निकाल लूँ, मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ हाथ बाहर, वो ठंडा है।
बहुत ठंडा है। स्टोरेज फुल है, स्टोरेज की टेंशन नहीं है। गाइस देख रहे हो स्नो, देखो स्नोफॉल कंटिन्यूसली हो रही है पिछले आधे घंटे से। आधा घंटा पहले स्नोफॉल नहीं थी और आधा घंटा पहले स्नो, देखो इधर देखो स्नो। ये व्यू कितना अच्छा है यार, ये वाला व्यू देखो पहाड़ों पे। चेक करो गाइस, गाइस ये व्यू चेक करो जरा, और मुझे कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है। इधर देखो स्नोफॉल देख रहे हो गाइस, मैं स्लो करता हूँ थोड़ा, रुको। कैन यू सी द स्नोफॉल, कैन यू सी द स्नोफॉल? अगर यस तो कमेंट करके बताओ यस। चेक करो गाइस, भाई कंटिन्यूअस स्नोफॉल हो रही है, और जब से गाइस स्नोफॉल हुई है ना, आधा घंटा पहले तो ठंड बर्दाश्त हो रही थी, लेकिन अब आधे घंटे बाद ऐसा हाल हो गया कि बर्दाश्त ही नहीं हो रही है ठंड। हाथ लाल हो चुके हैं, पूरी तरह डार्क रेड हो चुके हैं, डार्क रेड। गाइस मैं ना अभी हम एक ऐसी लोकेशन पे जा रहे हैं जो आपने पिक्चरों में भी देखी है, बजरंगी भाईजान। तो मैं आपको एक जगह दिखाता हूँ जहाँ पे बजरंगी भाईजान की शूटिंग हुई थी, ठीक है? तो कमेंट करके बताना किस किसने वो जगह वो देखी है मूवी के अंदर, और वो जगह है कि नहीं। अगर है तो बोलना यस दैट्स द सेम प्लेस और बजरंगी भाईजान। जो मस्जिद है ना, मस्जिद जो मूवी में मस्जिद दिखाई गई है, मैं वही मस्जिद आपको दिखाऊंगा यहाँ पर, सेम वही शूटिंग हुई थी बजरंगी भाईजान की। तो लेट्स गो गाइस, ये बोर्ड लगा हुआ है, ये डायरेक्शन दे रखी है, ठीक है? ये रास्ता जो है ये जाता है ऊपर दरगाह को, मतलब यहाँ से थोड़ी दूर ही है दरगाह जहाँ पे बजरंगी भाईजान की शूटिंग हुई थी, ठीक है? तो मैं यहाँ से गाड़ी ऊपर नहीं ले जा रहा हूँ क्योंकि स्नो है और गाड़ी जाएगी नहीं। ये एरो दिखा रहा है दरगाह का, यहाँ से मेरे ख्याल से 50 या 100 मीटर के आसपास दरगाह है, बस इसके ऊपर ही है दरगाह। तो यहाँ तक मैं ले आया बाकी आपको बताने के लिए, अब चलते हैं वापस। काफी रिस्की है यार ईमान। हाँ बहुत ज्यादा, ये बहुत ज्यादा रिस्की है गाइस, देख रहे हो? अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब। जो नए भाई हैं सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही वीडियोस मिलेंगे आपको। अभी मैं हूँ पहलगाम में, और ये एक पहलगाम में शूटिंग हुई थी, तो ये दरगाह पहलगाम में ही है जहाँ पे बजरंगी भाईजान की शूटिंग हुई थी। तो सब्सक्राइब कर लेना और बने रहो, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली। ऐसी अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे आपको, लव यू ऑल। बहुत ही प्यारा
मेरे को कोई यहाँ पे रख ले, मुझे रख ले कोई अपने घर में, मैं बहुत खुश हो सी रहूँगा यहाँ पर। स्लोप आ रहा है, चेक करो भाई स्लोप, चेक करो। मुझे कोई अपने घर में रख ले, एक कमरा दे दे बस, बहुत सी में खुश हूँ। रख लो यार, एक कमरे में रख लो, कोई गेस्ट रूम होगा। भाई को कश्मीर में परमानेंट रूम चाहिए, भाई यही रहने वाला है। रख लो यार, मुझे गोद ले लो। अरे भाई मुझे गोद ले लो भाई, मुझे यही रहना है, मुझे यही रहना है, मुझे नहीं जाना कहीं पे भी। भाई को कश्मीर बहुत ज्यादा पसंद आया। भाई क्या कहते हो कश्मीर के बारे में? मुझे कोई गोद ले ले यहाँ पे, मैं एक कमरा दे दे मैं उसी में खुश हो जाऊंगा, ठीक है? मुझे नहीं रहना महलों में, मुझे एक कमरा दे दे भाई, मैं उसी में पड़ा रहूंगा और उसी में खुश होकर जीता रहूंगा अपनी जिंदगी बाकी की, ठीक है? एक कमरा कोई भी दे दे और जो इंटरेस्टेड हो मुझे कमेंट कर देना। तो गाइस आपने सुन लिया, हमारे भाई को एक परमानेंट रूम चाहिए कश्मीर में। भाई को इतना ज्यादा कश्मीर पसंद आ गया कि भाई मतलब वर्ड्स कम पड़ रहे हैं, भाई के वर्ड्स कम पड़ रहे हैं कश्मीर के लिए। तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे भाई आए हैं दिल्ली से कश्मीर। हमें दरगाह जाना था लेकिन वहाँ पे रास्ता थोड़ा सा, ऑलमोस्ट दरगाह पहुँच ही गए थे, बहुत ज़्यादा 50-100 मीटर दरगाह दूर थी बस, लेकिन उसकी उस दरगाह के सारा स्नो से घिरा हुआ था तो इसलिए वो रिस्की हो जाता, इसलिए वहीं से एरो से वापस आ गए, जो दरगाह का एरो था। बाकी जिस जो मुझे गोद लेना चाहता है मुझे बता दे। भाई को कश्मीर बहुत ज़्यादा पसंद आ गया, मतलब सीरियसली भाई इतना तारीफ कर रहे हैं, मतलब कश्मीर की मतलब हेवन है भाई, हेवन हेवन से भी ऊपर है, पैराडाइज पैराडाइज है ये, पैराडाइज। तो भाई आपको अब क्या करना है मेरे भाई, जो भी हैं जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, बस सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ऐसे ही प्यार बरसाते रहो और मुझे रास्ता बताओ भाई को, मुझे रास्ता बताओ, मैं खो गया कश्मीर में। हाँ भाई खो गया, अरे मुझे सच में खो गया, मुझे नहीं पता मेरे को कहाँ जाना है, आइस देख के मेरा सिर घूम गया भाई, लोगों को रास्ता समझ ही नहीं आ रहा, मैं भी यहाँ से आते भाई, पूछो ना इनसे, मेरे को कश्मीरी नहीं आती भाई। पहलगाम की तरफ जाना है जी सर, थैंक यू भाई। सीरियसली बहुत ज़्यादा मतलब ठंड हो रही है अभी, मतलब आप हाथ चेक कर सकते हो पूरे रेड रेड हो गए, डार्क रेड हो गए भाई, जम गया खून, खून जम गया है और थोड़ी देर में सब कुछ जम जाएगा। बस आप सब भाइयों का प्यार होना चाहिए, भाइयों का बहनों का, आगे और भी अच्छी वीडियोस आएंगी इसी चैनल पे, डू सब्सक्राइब। बड़ों का भी प्यार चाहिए, एक्चुअली में सबका प्यार चाहिए। तो मिलते हैं आपसे आगे। गाइस व्यूज देखो यार, मैं तो मतलब मैं तो मेरे को मेरा दिल कर रहा है मैं यहाँ से जाऊँ ही ना, बर्फ देखो शीशे पे कुछ दिख ही नहीं रहा है, ये बर्फ देखो साइड पे, राइट साइड के शीशे पे देखो, ये ही वाली रास्ता देखो, उस तरफ देखो कितनी स्नो है, अपने आप भाई, पहलगाम को मैंने किया बाय बाय, वेरी गुड, नेक्स्ट टाइम जब आएंगे पक्का आपको बजरंगी भाई की
बजरंगी भाई जान की जहाँ शूटिंग हुई थी वो दरगाह आपको पक्का दिखाएंगे। इस टाइम जा नहीं सके क्योंकि आपको पता है बर्फ बहुत ज़्यादा हो रही है, हेवी स्नोफॉल हो रहा है, तो जब नेक्स्ट टाइम आपको हम जाएंगे तो आपको पक्का दिखाएंगे। देख सकते हो आप गाइस चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। अब हम पहलगाम से नीचे उतर आए थे, ठीक है। तो गाइस हम पहलगाम से नीचे उतर आए थे, वी आर गोइंग बैक टू दी होटल। तो ये व्लॉग यहीं तक था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। तो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, जो भाई नए हैं सब्सक्राइब कर लो और बी ए पार्ट ऑफ द फैमिली। और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहेंगे और मिलते रहेंगे आपको बैक टू बैक। तो हाँ सब्सक्राइब कर दो यार, कुछ नहीं जाता, पैसे नहीं लगते हैं। सब्सक्राइब करके ऑल बेल दबा के ऑल सेलेक्ट कर लेना ताकि सारे वीडियोस मिल जाएं, ठीक है। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।